पांच उगदी। हेलो फ्रेंड्स, और अभी अभी शायद मौसम जो है 2 दिनों से बहुत ख़राब है, और इतनी मोटी बारिश लग रही है कि शायद बिजली का जो संतुलन है वो बिगड़ गया, जिसकी वजह से इसको काफ़ी चोट आई है। देखिए मुंह खोल रहा है, मगर बचू दीदी आ रही है, बचा तो है शायद, की पता करंट लग गया, बचा तो है ये, मगर इसको शायद झटका लग गया जो है, सह नहीं पाया। और ये अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। बजा बजा बाई चांस अगर बचेगी भी नहीं तो इसको ये तसल्ली रहेगी कि हाँ मैं चैन से मर रहा हूँ। हम कोई मजाक नहीं बना रहे, मगर ऐसा है कि ये अचानक से गिरा, और ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे कई बार साहस मिलता है कि हाँ यार कहीं मैं किसी खतरनाक जानवर के हाथों में नहीं हूँ, किसी अच्छे भले इंसान के हाथ में हूँ, और क्या पता इसमें जीने की उम्मीद जाग जाए। ये मजाक बना रहे हैं, बस एक सवाल को फोन करिए। नहीं अभी अभी सुबह इतने सवेरे कोई उठता नहीं है, हम कोशिश करेंगे आधे घंटे में निकलेंगे, अभी तो 5:30 भी नहीं हुआ ढंग से, मगर ये देखिए तो ये देखिए सब लगे हुए हैं अपने घरेलू नुस्खे लगाने पे, मगर अभी डॉक्टर साहब सो रखे हैं, अभी बहुत सुबह जल्दी हो रही, और ये तरफ ये बारिश है, ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इसको सब पानी पूनी बुला रहे हैं, और ये पी रहा है। देखिए जूम के दिखाओ ना, थे देखो इन दिखाओ में तो पानी दे, देखो वे किस चलो नहीं थे। और दोस्तों ये है वो बिजली की तार जहाँ पर उसको झटका लगा अभी अचानक, और ये देखिए पी रहा है पानी, और ये अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि ये अभी सही हाथों में है, और इसकी जिंदगी की अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। और देखिए चाची ने अभी हमको बताया कि ये तोता है, तोते का बच्चा है ये, और ये तोते का बच्चा है, ये पता नहीं क्या बोल रहे थे, ये अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है ऐसा लग रहा है, देखिए चैन की आराम कर रहा है। दादी बताएंगे हमको ये क्या है, तोता है कि क्या है, तोता चो। और जो हमारे गांव के जानकार है उनको पता चला है तोता है, तोता चो पता नहीं है कहाँ जाए हो, करंट लग गया, ये मुर्गे थे नहीं मुर्गे, ना अभी सांस मुर्गे क्या ले मुर्गे नहीं है, पानी देना चाहिए था हमारे लिए पानी। अरे मर गया बने ना ना बच्चे चली आजी बच्चे हैं जान चे पर अभी बस साक्षात कौन हो जाए मर जाने लगा तो नहीं था पानी पैप पिलाए जब तब गिच खुला ये जी पिन खिला हुई वो मरुन मलचो ये तो बंद हो एक मरुन मलचो अरे ये ना गिच फरी लग दी चाची करंट हाँ जो भी लगी गिच फरी लगी अजीब का नहीं है राधा टिट भी लगने में तब पारी आंख खोले ले फिर तो बच्चा वाल कुछ बच्चे से तो कुटे में क्या होना वे पर करंट लग गया करंट मत बड़ा हो वे गिच पर हुई गिच पर गिच भी तो काफ बढ़ गए हैं उड़ जा बच्चा बेटा उड़ जा मोड़ वाला की जाने लाल ना ना वो कलर से चेक तू और दोस्तों ये देखिए और भाभी इसको घर में ले आई है वैसे को दिखाने के लिए, मगर वैसे नहीं जानती कि ये जो परिंदा है ये तोते की तरह दिखने वाला है, अभी हमको डाउट हो रहा है कि तोता ये क्या है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और ये दोस्तों अपने जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। दोस्तों ये बाहुबली लौकी देखिए कितनी बड़ी है, ये देखिए, और इसके आज हम बनाएंगे कोफ्ते, और ये देखिए एक चीटर को हार मान के भाग चले गए हैं, एक नंबर के चीटर को दोनों फर्स्ट फर्स्ट हम फर्स्ट देखिए बहुत तगड़ा रोमांच मैच चल रहा है।
चीटर हो रहे दोनों के दोनों। अब देखते हैं इनका मैच, दोनों चीटर में से कौन चीटर जीता है। ये मैच है खाना बनाने का है। पहले इस पिछले मैच में जीती हूँ मैं, बेसन के लड्डू बनाएगा जो हारेगा। और दोस्तों अभी चल रहा हमारा लूडो का मैच, और जो हारेगा वो अपने हाथों से बेसन के लड्डू खिलाएगा। और अब ये हमारे साथ साथ थी जो एक प्लेयर और थी, भाभी थी हमारी, पिलर में देखिए ये भी वाइल्ड कार्ड एंट्री है इनकी, इसने छक्का मारा, ये हो गया। अब चल रहा है यहाँ पे घमासान युद्ध दोनों चीटर को, अब देखते हैं दोनों चीटर से कौन चीटर जीतता है। छह छह पाँच यहाँ पे है बेचो, कौन जीतने वाला बता, तू बता दे, तू बता दे मीशो नहीं क्या जीतना, ये दो चीटर कौन सी बता। अंदर जाने वाली है मेरी गोटी, चार आ गया मेरा, ये गोटी यहाँ पे ये आ गई अभी फटाफट। पांच पांच उगदी दूधी गोटी खेना से क्या। दोस्तों फाइनली मेरी और वैसु की टीम है जो वो जीत चुकी है, और ये भाभी और मम्मी हार गई है पूरी तरह, हरा दिया मैंने इनको, और इन्होंने बहुत पाप बनाया। एक नंबर मैं तो बहुत चली जीत गया था, मगर फिर भी चीटिंग करके भी हार गए इन्होंने, दोनों ने मिलके मेरी गोटी को बहुत बार काटा। अब आपको मैं क्या बताऊं, ये दोनों मिल गए पता नहीं, और आठ गोटियां और मेरी मात्र चार गोटियां ऐसे फंस गई जैसे बाघों के बीच में बकरी पे फंसती है ना, वैसे इन्होंने फंसा के मेरी बहुत बहुत बार काटी गोटी। और तो आज के गेम में हमको बहुत मजा आया। चलो ओके फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के गुड नाइट। और दोस्तों मिट्टू भी अभी सही महसूस कर रहा है, देखिए मैंने ढिगनी दे रखी उसको, ये देखिए अच्छा अच्छा महसूस कर रहा है, पंख भी फैला रहा है। और अगर ये सुबह तक स्वस्थ हो गया तो इसकी अपडेट मैं आपको जरूर दूंगा, तब तक के लिए गुड नाइट।